तो आइए, कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? प्रत्यय भाषायाम नित्यम, उसका उदाहरण क्या था? तन्मात्रम और चिन्मयम। ठीक, चिन्मयम का एक बार मैं बता देता हूं कैसे है। उसका क्या है? चित चित धनमय है ना, मयट प्रत्यय है। इसको बाद में हलंत्यम से संज्ञा तलोप से लोप भर के मज मय भर बचता है। क्या बचता है? ये मय। बाद में इसको सु को अम हो जाता है इत्यादि नपुंसक लिंग के विवक्षा में। मयट प्रत्यय का प्रयोग अब इस समय तो मैं आपको भी नहीं बता पा रहा हूँ किस अर्थ में होता है। मयट युक्तता अर्थ में है, चित माने चेतनता से युक्त, युक्तता अर्थ में है। ठीक है, इसमें है कहते हैं कि चित धन, इसमें पहले क्या लगेगा, कौन सा कानून लगेगा जो कल हम पढ़े थे? यरुण नाच के नाशको का कहता है क्या है, किधर यर हो बाद में अनुनासिक हो, तो इस यर को विकल्प से अनुनासिक, यही कहता था। अब यहां पहले देख लीजिए ये कानून लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हा को छोड़ करके समस्त व्यंजन, बाद में वो हल्का है भी चला जाता है, इधर हाइब्रिड का है भी चला जाता है, तो उसके अंतर्गत द भी आता है, यानी यर प्रत्याहार का वर्ण है। बाद में मा है, मा अनुनासिक है कि अनुनासिक है, कैसे जाने? यमगणना नाम नासिका मुख सहित नासिकयो चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्, यानी मुख इसके सहित जो नाक के द्वारा मतलब मुख और नासिका के साथ से जो वर्ण बोला जाए वो क्या होता है? अनुनासिक। ठीक, तो यानी ये अनुनासिक भी है। ठीक, तो इस यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाना चाहिए था, लेकिन इसी सूत्र पर यरोनुनाशिके नुनाशिको वापे एक वार्तिक है प्रत्यय भाषायाम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यानी नित्य हो जाए। कहाँ? कहने की प्रत्यय होने पर यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक हो जाए, बस यही कहता है ये। तो अनुनासिक होगा तो क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान क्या है? दकार का लितुलसानाम, लितुलसानाम दंता, भैया ताहलु नहीं है। देखिए लितुलसानाम दंता, इनमें अनुनासिक, इस वर्ग में अनुनासिक वाला वर्ण कौन सा है? ना, ना आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, चिन्मय बन गया, बाद में सु आता है, सु को आम हो जाता है, चिन्मयम बन जाता है। चित माने चेतन, मयम माने चेतनता से युक्त। ठीक है, यह उदाहरण कल बताया नहीं गया था समय अभाव के कारण। तो आइए अब हम अगले सूत्र पर चलते हैं। अगला सूत्र कौन सा है? तोरली। तोरली कहता क्या है कि त वर्गस्य लकारे परे क्या हो जाए? पर समण, पूर्व समण, त वर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण। अरे यरो नुनाचके नुनाचको वा, वा माने विकल्प, या विभाषा माने भी विकल्प, या किसी ऋषि का नाम ले लिया तो तब भी विकल्प से। किससे? किसमें? हाँ, तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम कहता क्या है, यानी नित्य अनुनासिक हो जाए। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं तोरली सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्रमांक क्या है? 8460। ठीक, इधर देखिए इसको तोड़ दीजिए, क्या है? तोह, तोह और ली, ली।
यानी इधर का वर्ग हो, इधर ल हो, तब क्या हो जाए? क्या हो जाए? परसवर्ण। परसवर्ण माने इसके अनुसार जो वर्ण हो, तो ल का सवर्णी क्या होता है? ल का सवर्णी ल ही होता है। लेकिन वहां बताया गया था अनुनासिका अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा, यवल यवल ये कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से, या वा और ला, एक सामान्य व और ल, यही इन भेदों से यवला दुधा दो प्रकार के हो जाते हैं। फिर कहते क्या है इसकी वृत्ति में देखिए, त वर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण, इसमें एक सूत्र आता है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है, इससे पर सवर्ण का अधिकार वो आता है अध्याहार पर सवर्ण, ये इसकी अनुवृत्ति आती है, पर सवर्ण इसका अनुवर्तन आता है। ये कहता क्या है किधर तवर्ग हो बाद में लकार हो, तो इस तवर्ग के स्थान पर लकार हो जाए, लकार आदेश नहीं पर सवर्ण लिखा जाएगा ना, क्या हो जाए पर सवर्ण आदिष्ट हो जाए। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण बोली क्या है, तद धन अभी इस नियम से देखिए क्या वो साम्यताएं मिल रही हैं जो जिसको हम लोग जिस नियम के तहत कानून के तहत काम करने चल रहे हैं। इधर क्या है तवर्ग, तवर्ग माने त थ द ध न, इनमें से कोई एक वर्ण है, यानी ये वाली स्थिति मिल गई। अब बाद में कहते हैं कि ल हो, लकार हो, बाद में लकार है यानी यहां भी लकार है, तो किसके स्थान पर क्या हो जाए? इस तवर्ग के स्थान पर सवर्ण आदेश हो जाए, यानी कि ये वाला आदिष्ट हो जाए, तो कर देते हैं द के स्थान पर ल हो गया और बाद में क्या है लया। अब जोड़ दीजिए क्या बन गया तल्लय, तल्लय का अर्थ क्या है उसके लय, उसका नाम, उसका नाम। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, वाक्य में जैसे कोई एक वाक्य दे देता है उसमें जो नपुंसक लिंग के शब्द का रूप चलता है, जैसे तत्ते तानी प्रथमा विभक्ति एक वचन में भी तत् बनेगा, बाद में दूसरी विभक्ति एक वचन में भी तत् बनेगा। अगर दे देगा तल्लय, ऐसा मैं उदाहरण बताऊंगा, मुझे अभी मौके पर याद नहीं आ रहा है, कल मैं पढ़ रहा था कमरे पर, एक मित्र आए थे, तब मुझे भाई इसमें बताओ कौन सी विभक्ति है, कह रहे थे यार यहाँ तो प्रथमा लग रही है, एम के विशेषण देखो इसका विशेष क्या है, विशेष के अनुसार विशेषण बनेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट की निगाह कम जाए, जहाँ पर वो कम जाने का प्रयास करे, तो ऐसा एक भी पद मत छोड़िए, विभक्ति किस कितनी कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, किस प्रकार इसका रूप संचालन हो रहा है, ये जरूर देखिए। ठीक है, बन क्या गया तल्लय। नियम यह था कि तोह माने, तोह माने षष्ठी है, ये सप्तमी, ली माने लकार बाद में रहते, तोह माने तवर्ग के स्थान पर सवर्ण आदेश हो जाए, यही कहता है। जो ये सामान्य सा खाका बनाया गया है इसको आप लोग नोट करते रहिए, जब लास्ट में एकदम अंत हो जाएगा संधि का, तो उस समय इसी जो डायग्राम है इसी के थ्रू एक दिन में एक पूरी क्लास में सभी संधियों को समझ लिया जाएगा। ठीक है, आगे चलें, आज समय थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा सा गति बनानी, ठीक है चलें, चलिए तोरली समझ में आ गया ना। निपात एक जनन करता क्या है, प्रगृह संज्ञा, निपात संज्ञा नहीं कहिएगा, कहिएगा।
अच्छा एक चीज जानते हैं, मित्र और दुश्मन दो होते हैं। मित्र को तो आप एक बार भूल सकते हैं, लेकिन दुश्मन को तो नहीं भूलेंगे। मान लीजिए कहीं कुछ गलती किया है तो कहते हैं कि यह नदी गाढ़ा रहा, यह नदी गाढ़ा रहा भाई। तो आप उस जैसे निपात एका जनांग से एक बार गलती कर दिए तो आप उससे सतर्कता कर लीजिए कि यही था पिछली बार गड़बड़ हुआ था, आप देखित कैसे गड़बड़ हो। ठीक है, आइए अगला सूत्र पर चलते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है विद्वान धन लिखति। विद्वान धन लिखति, हमारा नियम क्या था? इधर तवर्ग हो प्लस बाद में लकार हो तो तवर्ग के स्थान पर पर सवर्ण है, यही है। अब यहां देखिए नियम को घटाइए, यह है त थ द ध न, यानी इधर न है, बाद में लकार लिखति। किसी की मत में पहले ये तो नहीं है, ई है फिर ल है, ऐसा तो नहीं ना। अब इसको हटा दीजिए, बाद में क्या है? ई है, तो पहले ल है, इधर हो गया। यानी कि जो हमारा नियम कह रहा है ये एकदम फिट बैठ रहा है, तो इसी के स्थान पर क्या हो जाए? पर सवर्ण। पर सवर्ण माने बाद वाला जो वर्ण है यही होगा। लेकिन लेकिन ये कैसा है, अनुनासिक है कि अनुनासिक है? अच्छा एक है अनुनासिक और दूसरा है अननुनासिक। अनुनासिक मतलब जिसके पीछे अनुनासिक, अनु माने पश्चात, नासिक माने नासिका हो, तो इसमें नासिका से बोला जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अनुनासिक। और अननुनासिक क्या होगा? अधन अनुनासिक। तो आ को अन हो जाता है, जब नहीं तत्पुरुष समास में हम पढ़ेंगे आगे चल करके, तो अ को क्या हो जाएगा? अन, क्योंकि बाद में स्वर है, इसलिए। आइए तो ये हो गया, तो न है अनुनासिक। ये ल भी बताए थे कि यवला द्विधा, ल और ल, ये दो प्रकार के, तो यानी कि ये अनुनासिक है, तो ये अनुनासिक आएगा भी इसके स्थान पर, यही आ जाएगा अनुनासिक युक्त। अब बन क्या जाएगा? अब देखिए यही इसी प्रक्रिया, यहाँ तक तो सबका सही होता है, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, लीजिए आज के समय में जो कंप्यूटर का फांट है वो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है, जो रूप सही सही बनता है। अब बनेगा क्या? विद्वान धन लिखति, ये हो जाएगा। अब इसको इसको जोड़ेंगे तो ये अनुनासिक कहाँ जाएगा? ई के बाद जाएगा ऊपर। अब देखिए एक फंडा इसका ये है कि एक मिनट हाथ से लिखने में इतना यही होता है, ये इस ल के जस्ट ऊपर रहता है, लेकिन कई कई पुस्तकों में ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसे करके भी लिख देते हैं, और नहीं तो ये ऐसा भी लिखा मिलता है। ये है ऐसे, यहाँ आ जाएगा ली, ज्यादातर पुस्तकों में यही दिया रहता है, लेकिन जो बनता है नियम के तहत वो सही रूप से यही है। ठीक है, हाँ चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हाँ लिखा सही है। कौन पे वो
कपिल देव द्विवेदी में कई जगह मुद्रण दोष हैं, मैं गलत नहीं कहूँगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। कई बार होता क्या है, फांट एक्सेप्ट नहीं करता, जिस फांट में मान लीजिए ये पुस्तक प्रिंट की जा रही होगी वो फांट उसको एक्सेप्ट, अरे भाई दा पे कैसे चला आएगा, ये तो सोचिए, जाएगा तो ये बाद में, ये तो नहीं है कि पीछे आगे चला आएगा। ये क्लियर हो गया विद्वान लिखत, ये प्रश्न में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। लोग कहते हैं पीजीटी में प्रश्न नहीं पूछा जाता संत से, मैं देखा कल, मैं एक किसी पुस्तक में लगाया था। अच्छा एक चीज आप लोग ये भी किया करिए, जैसे कभी प्रश्न हल कर रहे हैं तो उसी किताब में ही लगा दिया करिए ये प्रश्न पूछा गया है जिस भी सन में, मान लीजिए लिखा गया 2015 पीजीटी में पूछा गया तो 2015 लिख करके पीजीटी लिख दिया करिए, इससे ये रहेगा कि दिमाग में ये रहेगा कि हाँ ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए ये हो गया क्लियर, आगे चलते हैं। ये कौन सी हल संधि, परसमण विधि, हल संधि, क्योंकि यहाँ परसमण आदेश हो रहा था। अब अगला सूत्र क्या है, उदह स्थाह स्तंभो हो, उदह स्थाह स्तंभो हो, पूर्वस्य, इसका क्या है, 8 4 61। अब बताइए यहाँ क्या क्या विभक्तियाँ लगी हैं, यहाँ स्था है और स्तंभ, स्तंभोः यानी षष्ठी विभक्ति दो बचे, स्था और स्तंभो दो है ना, षष्ठी विभक्ति दो वचन, पूर्वश माने उदह में बता दीजिए, ये पंचमी विभक्ति, अभी तक हम लोगों ने षष्ठी देख लिया, सप्तमी देख लिया था, प्रथमा देख लिया था, प्रथमा माने आदेश होता है और सप्तमी माने बाद में रहते, षष्ठी माने उसके स्थान पर। अब स्टुनाष्टु में तृतीया भी देख लिया था, देखा था ना, स्टुना योगे स्टुह स्यात। अब यहाँ देखिए, यहाँ पंचमी का भी प्रयोग दिखा दे रहे हैं सूत्र में, जो पंचम्यंत पद है इसका मतलब क्या होगा, ये कहता क्या है, उदह यानी उद के बाद स्था और स्तंभ हो तो इसका पूर्वश माने इसका आदेश हो जाए, किसके स्थान पर, स्था और स्तंभों के स्थान पर। इसका डायग्राम बना लीजिए, इधर उद हो, इधर स्था हो या स्तंभ हो, तो इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाए, पूर्व सवर्ण विधिहल संधि है, पूर्व सवर्ण माने ये वाला आदिष्ट हो जाए, यही नहीं बोल रहा है कोई, पर सवर्ण वो कर रहा था इसके पहले वाला तोड़ ली, अब ये पूर्व सवर्ण का उदाहरण बता रहे हैं, पूर्व सवर्ण विधि हल संधि का प्रयोग बता रहे हैं, तो इसके स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश, हो गया नहीं है, हलन नहीं है, उद हो उसके बाद स्था हो या स्तंभ हो तो इनके स्था और स्तंभ के स्थान पर, क्योंकि यहाँ षष्ठी में बताया गया है ना, षष्ठी में है स्था स्तंभ, तो इनके स्थान पर क्या हो जाए, चलिए क्या आदेश हो जाए, पूर्व सवर्ण यानी इसका सवर्णी कोई आदिष्ट हो जाए। अब यहाँ मामला फंसेगा कि इसका सवर्ण कौन कौन से हैं और होना किसके स्थान पर है, इनके स्थान पर। अब ये सूत्र बस इतने कहता है कि उद हो बाद में स्था या स्तंभ हो तो उसके स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश हो जाए। अब ये नहीं बताया कि सक पे हो कि थ पे हो कि इधर सा ता था, इनमें से किस पे हो,
ये नहीं बताया। हम लोगों ने इको यणज पढ़ते समय पढ़ा था कि तस्मिन नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, उसमें उसकी वृत्ति में लिखा गया है कि सप्तमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्याणं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। यानी इक हो बाद में अच हो, इसके स्थान पर यण हो जाए, यही था ना, इक के स्थान पर यण हो जाए बाद में अच हो। तो जो तस्मिन निर्देश के पूर्वस्य कहता क्या था कि सप्तमी निर्देशेन, यानी अच था, इको यणच में अच अच पद आया था ना, अच पद बाद में है, तो कहें उस अच पद से निर्देशेन सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम, जो विधायी कार्य है वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, वर्णों के व्यवधान रहते पूर्व, यानी ये आगे उसके स्थान पर समझना चाहिए। तो यही इक के स्थान पर यण करता था। अब यहाँ भी अनियम हो रहा है, अनियम की स्थिति में जब कोई नियम बतावे तो कौन सी हो जाती है, अनियमे नियम कारिणी हलुआ, मतलब सब ऐसे गए। अरे बताया था अनियमे नियम कारिणी परिभाषा ना। अच्छा लोग कहते क्यों है कि हलुआ ऐसे बा खाई ले, हलवा होता क्या है को उसमें कुछ ऊंचे ऊंचे घोत ना ही, मोहन डाला बस खाली दबाए चला जाए, इसलिए ये हलवा नहीं है। व्याकरण थोड़ा सा क्लिष्ट है, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है, एकदम मजे समझिए, एकदम फर्स्ट क्लास आ जाएगा। अब देखिए अगला सूत्र क्या है, तस्माद इत्युत्तरस्य, तस्मात, तस्मात माने पंचमी, उत्तरस्य माने षष्ठी। तस्मात पद से क्या अर्थ है, यानी उसके, किसके, इस उद के, तस्मात पद से यहां निर्दिष्ट है उद, इसके उत्तरस्य, उत्तरस्य माने बाद वाले के स्थान पर, यानी स्थाय और स्तंभ के स्थान पर होवे। अब ये तो बता दिया कि स्थाय और स्तंभ के स्थान पर होवे, लेकिन किस वर्ण पर होवे ये भी नहीं बताया। यानी पंचमी के द्वारा निर्दिष्ट जो पद है इसका अर्थ ये है कि इसके बाद वाले के स्थान पर कार्य होवे, यानी स्थाय और स्तंभ के स्थान पर कार्य बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि सकार के स्थान पर हो कि थकार के स्थान पर हो। अब इसके बाद अगला सूत्र आता है, क्या है वो, आदेह परस्य, आदेह, आदेह में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, परस्य माने षष्ठी विभक्ति एक वचन, परस्य माने बाद वाले के, आदेह माने पहले वर्ण पर, परस्य यानी पर में ये है उद के, पर में ये है स्थाय स्तंभ, इसके आदेह, आदेह माने सबसे पहले। देखिए स्थिति दो होती है, एक आदि होती है एक अंत होती है। जैसे मान लीजिए राम लिख दिए, राम पूरा है राम, तो मकार उत्तरती अकार ये है अंत और रकार ये आदि है, रकार में र जो है आदि वर्ण है और मकार उत्तरवर्ती जो अकार है ये अंत है। ऐसे ही उसमें भी देख लीजिए किसके स्थान पर बता रहा है, किसके स्थान पर हुए, आदेह माने पहले आदिम वर्ण के स्थान पर, यानी इससे यह ग्रहित हो जाए कि इससे इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, यानी कि अब हमारे सूत्र का सूत्रार्थ निकल आया। क्या निकला, उद हो उसके बाद स्था और स्तंभ हो तो उस स्था और स्तंभ के सकार के स्थान पर क्या हो जाए, पूर्व सवर्ण आदिष्ट हो जाए, यानी इसका समान वर्ण इसके स्थान पर हो जाए। यहां तक हो गया,